अपने पीछे यथार्थ पर यथार्थ चले जा। तो हमें तो हमें ध्यान नहीं दे रहा। तुम भी तो कह रहे हो, अपने बताओ सुनो। हम नहीं कुछ कह रहे हैं, मुस्लिम भाई को जैसा कर देंगे। ग्रेटर नोएडा पुलिस की छवि को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां 3 पुलिसकर्मियों का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी ओयो होटल में रुके कपल को छोड़ने के एवज में उनके परिजनों से रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद बताते हैं मामला क्या है। तो हमें तो हमें ध्यान नहीं दे रहा। तो भाई वो केला बैंक ही बुला रहता है कहाँ पर? नहीं, हरिमनी पे ले। श्रीमान जी को समझा दो, ठीक है? अरे गुरु जी आपका आशीर्वाद रहेगा। सुन, हमारा आशीर्वाद नहीं, क्या फायदा जेब के चले जाओ। सबसे ज्यादा दोषी तुम हो, तुम आँख खोल के वहाँ बैठे हो। अच्छा, समझ गए? जब कोई आता है ना तो उसकी हर चीज चेक करते हैं। जैसे कैमरा में कलों में खोलवा के आ रहा है एंट्री। इतने ही नहीं तो दे दे यार, हमको बताना तो वो करो, मैंने इसको कर दूंगा। क्या नाम है इसको? ये मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो नोएडा पुलिस के कमिश्नर आलोक सिंह ने इसका संज्ञान लिया और इसकी जांच डीसीपी ग्रेटर नोएडा को सौंप दी गई। उसी के आधार पर पुलिस कमिश्नर ने आरोपी 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दरअसल थाना क्षेत्र के एक ओयो होटल में एक कपल भाई बहन बताकर रुका था और उन्होंने पहचान पत्र भी दिया था, साथ ही उन्होंने बताया कि वो परीक्षा देने आए हैं। इसी बीच एक पुलिसकर्मी वहां आया और उन युवक युवती को रुकने की जानकारी मांगी और संचालक वे दोनों युवक युवती को चौकी ले आया और पैसे की मांग कर दी। आरोपी पुलिसकर्मी ने संचालक से 50,000 रुपये और युवक युवती के परिजनों से 10,000 रुपये की मांग कर दी, लेकिन वहां मौजूद एक युवक ने इस पूरे रिश्वत कांड की वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। टाइम 24 न्यूज के लिए ग्रेटर नोएडा से भूपेश प्रताप की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।